नमस्ते क्रिएटर्स, आइए कॉपीराइट मैच टूल के बारे में जानते हैं। ये ऐसा फीचर है जो आपके ओरिजिनल कंटेंट को सेफ रखने में आपकी मदद करता है और आपको कॉपीराइट के मामलों में एक्शन लेने की सुविधा देता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉपीराइट मैच टूल कैसे काम करता है। कॉपीराइट मैच टूल कंटेंट को सेफ रखने में आपकी मदद करता है। वो ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे वीडियो खोजता है जो बिल्कुल आपके वीडियो जैसे हैं या उससे काफी हद तक मिलते जुलते हैं। इस टूल से आपको कॉपीराइट के मामलों में एक्शन लेने में मदद मिलती है। ये टूल कंटेंट मैच करने की उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे कंटेंट आईडी काम करता है। इसे मैनेज करना ज्यादा आसान है और इसे कंटेंट आईडी के मुकाबले कम रिसोर्स की जरूरत होती है। इस टूल का एक्सेस आपको तीन तरीकों से मिल सकता है। पहला, जब आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हों। दूसरा, अगर आपको कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से एक्सेस मिला हो। और तीसरा, जब किसी वीडियो ने आपके कॉपीराइट वाले कंटेंट का इस्तेमाल किया हो और आपने कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट फॉर्म या वीडियो को हटाने का अनुरोध करने वाले फॉर्म के जरिए उसे हटवा दिया हो। अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हैं या आपको कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए कॉपीराइट मैच टूल का एक्सेस मिला हुआ है, तो ये टूल स्कैन करके देखेगा कि कहीं किसी और चैनल ने आपके वीडियो को पूरा का पूरा अपलोड तो नहीं कर दिया है। ये स्कैन आपकी सभी वीडियो के लिए किया जाएगा। आमतौर पर ये टूल देखता है कि वीडियो पहली बार किसने अपलोड किया और उसी हिसाब से तय करता है कि वीडियो मैच होने का अपडेट किस क्रिएटर को देना है। इसलिए ये जरूरी है कि YouTube पर आपने ही इस वीडियो को सबसे पहले अपलोड किया हो। ध्यान दें कि ये टूल आपके सभी वीडियो को खोजेगा, यानी कि पब्लिक वीडियो, प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो। कॉपीराइट मैच टूल हर उस क्रिएटर के लिए भी उपलब्ध है जिसके किसी वीडियो का कॉपीराइट उल्लंघन हुआ हो और उसने हमारे वेब फॉर्म के जरिए उस वीडियो को हटाने का अनुरोध किया हो। वीडियो हटाने का आपका अनुरोध स्वीकार हो जाने के बाद कॉपीराइट मैच टूल YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो को स्कैन करके देखेगा कि वो मैच होते हैं या नहीं। ध्यान दें कि इस केस में टूल सिर्फ उन्हीं वीडियो के लिए चेक करेगा जिनसे मिलते जुलते वीडियो हटाने का अनुरोध आपने सबमिट किया है, आपके सारे वीडियो के लिए नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि मैच होने वाले वीडियो को किस तरह रिव्यू किया जाए और आपकी तरफ से क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। ये देखने के लिए कि आपके वीडियो से मैच होने वाला कोई वीडियो मिला है या नहीं, YouTube स्टूडियो में मौजूद कॉपीराइट पर जाएं। अगर कोई वीडियो मैच हुआ है तो उसकी डिटेल आपको मैचेस या मिलते जुलते वीडियो टैब में दिखेंगी। अगर आपको ये टैब नहीं दिखता है तो इसके दो मतलब हैं। या तो आप टूल के लिए एलिजिबल नहीं है या हमें आपके वीडियो से मैच होता कोई और वीडियो नहीं मिला है। अगर आपके वीडियो से मिलते जुलते वीडियो मौजूद हैं, तो हम आपको उनकी कुछ जानकारी दिखाएंगे, जैसे वीडियो को कितने व्यू मिले, उसे अपलोड किए जाने की तारीख क्या थी और उस चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं जिसने आपके वीडियो से मिलता जुलता वीडियो अपलोड किया है। इसके साथ ही आपको यहाँ ये भी दिखेगा कि वो वीडियो आपके ओरिजिनल वीडियो से कितने प्रतिशत मैच होता है। मैच होने वाले वीडियो को दो फिल्टर लगाकर भी देखा जा सकता है, एक उनके कुल व्यू के हिसाब से, दूसरा अपलोड करने वाले के सब्सक्राइबर के हिसाब से। ध्यान दें कि ये टूल ऐसे वीडियो ढूंढने के लिए बनाया गया है जो आपके वीडियो से पूरी तरह या काफी हद तक मैच होते हैं। इसलिए अगर किसी ने आपके वीडियो की एक छोटी क्लिप का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि उसे ये टूल न खोज सके। ये भी ध्यान रखें कि किसी वीडियो के मैच हो जाने से ही ये साबित नहीं हो जाता कि वो आपकी कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर वीडियो को रिव्यू करें और देखें कि क्या वो कॉपीराइट का उल्लंघन करता भी है या नहीं। साथ ही वीडियो हटाने का अनुरोध सबमिट करने से पहले ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो पर फेयर यूज,
फेयर डीलिंग या कॉपीराइट से जुड़ा इस तरह का कोई अन्य अपवाद तो लागू नहीं है। अगर आपको मैच होने वाला कोई वीडियो मिलता है और आपको उस पर एक्शन लेना है, तो आपके पास ये तीन तरीके हैं: आर्काइव या संग्रहित करें, रिक्वेस्ट रिमूवल या वीडियो हटाने का अनुरोध करें, या चैनल से संपर्क करें। आर्काइव या संग्रहित करें का इस्तेमाल करने पर आपके वीडियो से मैच होने वाला वीडियो मैचेस या मिलते जुलते वीडियो टैब से हट जाता है और आर्काइव या संग्रहित करें टैब में चला जाता है। इससे मिलता जुलता वीडियो न ही मिटता है और न ही उस पर कोई असर पड़ता है। रिक्वेस्ट रिमूवल या वीडियो हटाने का अनुरोध करने वाले तरीके का इस्तेमाल करने पर हमारा वेब फॉर्म खुलता है। इसे भरकर मिलते जुलते वीडियो को हटाने का अनुरोध सबमिट किया जा सकता है। इस अनुरोध के दो विकल्प होते हैं। पहला, शेड्यूल तय करना। इसमें अपलोड करने वाले चैनल को 7 दिन का नोटिस भेजा जाता है। दूसरा है स्टैंडर्ड। इसमें वीडियो हटाने का अनुरोध स्वीकार हो जाने पर उसे तुरंत हटाने के लिए कहा जाता है। इस फॉर्म को भरने पर आपको ये सुविधा भी मिलती है कि आपके वीडियो की कॉपी को YouTube पर अपलोड होने से अपने आप ही रोक दिया जाए। इसका मतलब है कि वो वीडियो कॉपीराइट मैच टूल में मैचेस या मिलते जुलते वीडियो में नहीं दिखेंगे। इसके बजाय उन्हें अपलोड ही नहीं होने दिया जाएगा। वीडियो हटाने का अनुरोध सबमिट करने के बाद उसे रिमूवल रिक्वेस्ट या वीडियो हटाने के अनुरोध टैब में ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपके अनुरोध का स्टेटस रिजॉल्व्ड या समाधान हो गया दिखता है, तो चेक करें कि क्या आपके वीडियो से मैच होते वीडियो मौजूद हैं। इसके लिए वीडियो हटाने के अनुरोध पर क्लिक करके उसे बड़ा करके देखें। इसके बाद व्यू मैचेस या मिलते जुलते वीडियो देखें पर क्लिक करें। इससे उस वीडियो से मैच होने वाले वीडियो को फिल्टर करके देखा जा सकेगा। अगर आपको वीडियो हटाने का फैसला बदलने का मन करे और आप उसे वापस लेना चाहें, तो सीधे टूल के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए रिमूवल रिक्वेस्ट या वीडियो हटाने के अनुरोध वाले टैब में रिट्रैक्ट रिक्वेस्ट या दावा वापस लेने का अनुरोध करें विकल्प को चुनें। आखिर में आपके पास कॉन्टैक्ट चैनल या चैनल से संपर्क करने की सुविधा भी होती है। इसमें उस क्रिएटर को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा जाता है जिसने आपकी वीडियो से मैच होने वाला वीडियो अपलोड किया हो। ये ईमेल पहले से लिखा हुआ होता है। इससे उस क्रिएटर को पता चल जाता है कि आपने उसके वीडियो में अपना कंटेंट नोटिस कर लिया है। इससे उन्हें आपका ईमेल आईडी भी मिल जाता है, ताकि अगर वो चाहें तो आपसे बातचीत कर सकें। इसके अलावा मैसेज टैब में जाने पर आपको वो सारे ईमेल दिखेंगे जो आपने पहले भेजे थे। ध्यान दें कि अगर आपको एक साथ कई वीडियो को आर्काइव या संग्रहित करना है या उन्हें हटाने का अनुरोध बल्क में करना है, तो इसके लिए आपको कई वीडियो एक साथ चुनने होंगे। ऐसा करने के लिए उनके बगल में दिए गए बॉक्स को चेक करें। मैच होने वाले नए वीडियो मिलने पर हम बेल नोटिफिकेशन भेजकर आपको इस बारे में बता देंगे। ध्यान रखें कि कॉपीराइट मैच टूल का गलत इस्तेमाल करने पर आपसे इस सुविधा का एक्सेस वापस लिया जा सकता है या आपके YouTube अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि YouTube के साथ आपकी पार्टनरशिप खत्म कर दी जाए। अगर कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से वीडियो हटाने की प्रोसेस का जानबूझकर या बार बार गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे भी टूल का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। कॉपीराइट मैच टूल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहायता केंद्र का लेख पढ़ें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।